नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल न्यूज एंड आर्ट में। दोस्तों आज हम गांव गोरखपुर में हैं और यहां पर आज कॉमरेड कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया की एक स्मृति सभा का आयोजित किया गया उनकी याद के अंदर। यहां पर हमारे साथ काफ़ी कुछ विद्वान पहुंचे हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य रखा है क्योंकि कॉमरेड साहब की जो विचारधारा थी गरीब मजदूर और किसानों के लिए एक आवाज़ थे और उनकी स्मृति में आज बहुत सारे वक्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्हीं में से एक वक्ता हमारे साथ हैं, वो उमेश शिवाज जी। ये पूर्व विधायक भी रहे हैं महम से। हम इनसे उनके बारे में जानते हैं कि कितने उनसे प्रभावित हुए, कैसे उनसे मिले और ये क्या जानते हैं उनके बारे में। जी उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे कृष्ण स्वरूप जी के बारे में? कृष्ण स्वरूप जी मेरे बहुत अनन्य मित्र थे, मेरे घर के मेंबर के समान थे, कॉमरेड पृथ्वी, ये दोनों मतलब घर की नफा टोटा नुकसान हारी बीमारी सब मसाजी थे। और कृष्ण स्वरूप भी पृथ्वी भी दोनों एट द कोर ऑफ हर्ट सेकुलर आदमी थे, किसान के लिए समर्पित थे, गरीब आदमी के लिए समर्पित थे और कोई धन का लोभ नहीं। कृष्ण स्वरूप तो बड़ा जमींदार था, आज कई किले बच रहे हैं। तो दोनों बहुत बड़े आदमी थे, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सर आज के युवा है जो सिर्फ व्हाट्सएप यूट्यूब और मोबाइल तक सीमित रह गए, किताबें बहुत कम पढ़ते हैं और आपने भी जिक्र किया था, तो आप क्या किस तरह का संदेश देना चाहिए समाज के लिए, किस तरह से हम? मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने बोलते हुए कहा था, अंबेडकर ने लिखा है शिक्षा वो चीज़ है, शेरनी का दूध है शिक्षा, उसकी चूची पिएगा वही दाड़ेगा। तो शिक्षा आप पढ़ोगे। अब मैं ये कोरोना हुआ है, कई वकीलों कहते हैं ये नहीं लगता, डिप्रेशन में चले गए, मुझे बहुत लाभ हुआ है कोरोना का, वकालत का काम छूट गया और घर का छूट गया, पढ़ लिए अर्स हो गए। मतलब इतनी किताबें मैंने जवाहरलाल को भी पढ़ाया, गांधी को भी पढ़ाया, इस बीच में मैंने कुरान को भी पढ़ाया। देश में मुस्लिम कैसे हिस्ट्री हुई, जाट इतिहास पर भी पढ़ाया। तो मैं ये समझता हूँ आज देश को जवाहरलाल का जो रास्ता है सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेसी का, सेकुलरिज्म डटेगा तो डेमोक्रेसी डटेगी, डेमोक्रेसी डटेगा तो सेकुलरिज्म डटेगा, और सेकुलरिज्म डटेगा तो देश बचा रहेगा। ये जब नहरे नहरे रहते मैं जाट जाट दुनिया में है अकबा मने था इस देश चल रहा, जो ये करना है। पहले चौधरी चरण सिंह अपने भाषणों में कहते थे कि देश गुलाम जाति पाति ने किया है, मतलब थोड़े से आदमियों का, मुठ्ठी भर आदमियों का, जिन नक्षत्रीय कहे हैं उनका ठेका हो गया देश की रक्षा करने का, और ना ब्राह्मण हथियार उठाओगा और शूद्र को हथियार उठाने का वो ही नहीं था, अलाउड ही नहीं था। थोड़े आए वहाँ आपस में लड़ते रहे। ये राजस्थान को जो कहें वीरों का इतिहास है, सिवाय आपस में लड़ने के लिए क्या किया। सर आप कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं, कुछ किताबें लिख रहे हैं, तो क्या कुछ है, किस चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हैं? मैं पढ़ता हूँ, आप तो ज़्यादा तो मैं जाट हिस्ट्री पर कर रहा हूँ। मैं जाट हिस्ट्री को केवल जाट की हिस्ट्री नहीं मानता, इस देश में जो काम करने वाले मेहनत करने वाले कृषक जाति रही हैं उनका ये एक अंग है, और काम करने वाले के रूप में ही देखते हैं। मैं इससे निजात इतिहास अब तक के लिखे क्षत्रिय थे, बहादुर थे, राजा थे दुनिया पर, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। जाट एक कृषक जाति रही है और कृषक जाति दूसरी खेती करने वाले को रही है, तो वो यदि मेहनत करने के साथ अपना मिलाएंगे तो देश का संगठन बनेगा, देश मजबूत होगा। अलग से जात की यदि हम प्रशंसा करेंगे या महिमा मंडित शब्द होता है, महिमा मंडित करेंगे तो देश कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जो विचार प्रकट करता हूँ वो मजाट पीट ना करूँगा। सर गांव गोरखपुर में जैसे कि आज कृष्ण स्वरूप जी को याद किया जा रहा है, मैं जहाँ भी आसपास के गांव में कृष्ण स्वरूप का बहुत नाम है और इनके साथ में इनसे पहले जो है वो कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया थे, उन वो भी एक किसान नेता थे, मजदूर गरीब की आवाज़ को बुलंद करते थे और कई साल तक उन्होंने आवाज़ को उठाया था, उनसे आप किस तरह प्रभावित हुए और उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं? प्रभावित तो खैर मैं इनसे बड़ा था दोनों से, उनसे प्रभावित हुए ऐसी तो बात नहीं, परंतु मेरे मित्र थे और अलग अलग विशेषताएं थी। कृष्ण स्वरूप इंटेलिजेंट आदमी था, बुद्धिजीवी ज्यादा था। कॉमरेड पृथ्वी लड़ाका मैदान का योद्धा था, दिलेर था, तो दोनों में अलग अलग विशेषताएं थी, अलग अलग आदमी जोड़ने की कैपेसिटी थी। मतलब दोनों इन पार्टियों के विरोध में थे और भजन लाल भी आदर करता था कॉमरेडों का दोनों का, चौधरी देवीलाल भी आदर करते थे दोनों के, बंसीलाल भी आदर करता था, कॉमरेड पृथ्वी का भी करता था, इसका भी करता था, क्योंकि एक पार्टी के होते हुए भी बाहर भी कुछ संबंध होते हैं या नहीं,
सर आप कब इनसे, कब कहाँ, किस तरह से मुलाकात हुई कॉमरेड पृथन कृष्ण स्वरूप से? पृथ्वी की मेरी मुलाकात सन 67 में हुई थी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर था, ये एमए कर रहे थे, ये पहलवान थे, कुश्ती लड़ने वहाँ कुरुक्षेत्र गए, उनसे जान पहचान हुई। उसके बाद जब तो ना ये कॉमरेड थे, हाँ पढ़ने वाले थे, तो केवल मित्रता ही थी। एक ये था कि मेरे जिस गांव से आगे मैं बसा हूँ उस गांव के हैं, तो इसलिए भी आदर करते थे हम। ये भी थोड़ा सा सर यहाँ का आप मतलब के आप मानते हैं कि यहाँ से ही वहाँ महम के की तरफ गए थे शिवाज, तो यहाँ कुछ क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में, कब गए थे या कुछ? हमारे जो पूर्वज थे वो लगभग 500-600 साल के बीच में गए थे। हमारी 23वीं-24वीं पीढ़ी है तब गए थे। दो भाई थे और उन्होंने वो कबाड़ेबाज थे दोनों, एक कोई रांगड़ मुसलमान ने खोस लिया, रांगड़ दिया मार, ये गोरखपुर वाले गए डर, इन्होंने बोले भाई हम न मरवाओगे तुम जाओ रांगड़ बैठ के तो वो सामान जाके एक ने मीता थल बसाया, एक ने सामान बसाया, वहाँ भी उन्होंने कुकर्म कर दिया, वहाँ भी रांगड़ मार दिए, उन्होंने सारा कतलेआम कर दिया। एक लेडी बड़म्बा गाँव की थी, वो प्रेगनेंट बची, उसके एक लड़का आसरा, पहले वाले को तो हम भी नाम नहीं जानते, आसरा की औलाद है हमारे मैम के आसपास के जो। एक भाई हमारा मुसलमान हो गया था, मैं जो हिंदू धर्म की दकियानुषीपण बता रहा हूँ, 47 में जवारी समाज के आदमी थे, वो उनसे मिलने गए, कहने के बाद तुम हमारे भाई हो रहे जाओ, कहने के भाई तो हम मुसलमान हैं जब भी, हाँ तुम ब्याह हो गए काम है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। देवेंट टू आड़ाले भी गए, दो चार घर रह गए, दो चार ज़्यादा रह गए। अब भी जो ये दकियानुषीपण है, रूढ़िवाद है, अब भी जो जाट यहाँ रुक गए जो हिंदू बन गए, उनकी शादी होनी बड़ी मुश्किल है। थोड़े से गांव हैं आपस में यहाँ मिशा में करेगा। अब जैसे आपके जेवरे में है, यहाँ है पांच चार गणों, रामचंद्र खेड़ी है, जोरा है, हाँ बाहर है, गुड्डा है, एक मलकों का गांव है, दो दुआ सोनीपत में, ये छोटे से हैं, इनको जाट ब्याते नहीं। अच्छी छोरी पढ़ लिख रही हो, नौकरी लाग रही हो, ब्याले हैं, छोरा अच्छी नौकरी वाला थे जा ब्याह दे, आम रिश्ता नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ, मूले जाट भी बोलते हैं इनको, वो आप अपना आपने मूले जाट नहीं कहते, हम मूले कहाँ, वो अपना आपने नए जाट कहे हैं, वो नए हो चाहे पुराने, हम मिलाते तो है नहीं, अपने में तो मिला है तो मिलाते, मूले बन गए, मिलाए तो नहीं, मिलाए तो मूले जाट हो गए। अच्छा मूले या मूले और मूले से बरस हो गया, मूले जाट, मूले मुसलमान से मूला, मूले हां मूले जाट। सर आपने काम, ये इकबाल था, इकबाल ब्राह्मण था, किसी कारण से का दादा कुछ हो गया, ये मुसलमान सारे पाकिस्तान में कश्मीरी बन रहे हैं, बट सारे के सारे ब्राह्मण हैं, सारे को फर्क ही नहीं है। इसी तरह से लोगों ने छोटा मोटा वो हो गया। हेलो सर, आपने जैसे कहा कि कॉमरेड कृष्ण स्वरूप और कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुर यानी हिसार के अंदर जो वामपंथी थे और जो आंदोलन था उन्होंने शुरुआत की थी, आप क्या कुछ करें इनके बारे में? ये ऐसा थे जी, उस सदी में 71 में हमारे एक पुराने मित्र, उस टाइम में CPI होते है थोड़ा बहुत, मिल में टेक्सटाइल मिल के बाहर नहीं थी, कॉमरेड पिट्ठी आने के बाद उसके साथ कृष्ण स्वरूप जुड़ गया, हमारा भी रोल था। एक कॉमरेड पिट्ठी सिंह पूनिया कनो का था, ये ऐसी हमारी टीम सेट होगी कि हमने 72 के इलेक्शन के बाद वामपंथ का ही बढ़ावा दिया और SFI बनाई, किसान सभा बनाई, सिट्टू बनाई, और जब ये भी वही दौर था वोट नजदीक, CPI CPM अलग हुई थी, तो यहाँ CPM के एस्टेब्लिशमेंट कर में काम, यहाँ ब्रांच तो थी लेकिन कामरेड पिट्ठी ने मास पार्टी बना दिया, बदल दिया मास पार्टी बन चुकी, यानी हर जगह 5-5-7-7 हज़ार की हाजिर होने लगी थी, और बड़ा हौसले वाली उनकी वो फाइट थी, वो बड़ा लड़ाका आदमी था, तो मैंने कुछ ले कपड़े खोल जोड़ा और पैदल चलता, वो संगठन करता, ये सही बात है, इंटेलिजेंट तो कृष्ण स्वरूप था लेकिन संगठन करता उस वर्ग हो ही नहीं सकता। वामपंथ को यहाँ जमाया गया था उस आदमी कल्याण, मतलब हिसार के आसपास के एरिया में वामपंथ जमाने का उनमें वही था, लाल झंडन कौन जाना था, उन्हें पता था चम जाने कौन, लाल झंडन कम्युनिस्ट आदमी कम्युनिस्ट जी, लेकिन उसकी जमाया आंदोलन लड़े हुए, ऐसे नहीं जमाया, स्टूडेंट का आंदोलन हमने जो लड़ा 77 इसमें 74 से लेके 77 तक हरियाणा लेवल की SFI सेट करके यहाँ से हिसार से काल देते थे, सारा हरियाणा बंद करवा देते थे, उसमें हम शामिल होते थे। 72, 73, 74, 73 में स्टूडेंट फ्रंट पर काम किया, कृष्ण स्वरूप जनरल सेक्रेटरी होता रहा और पिट्ठी प्रधान होता रहा सारा। पिट्ठी ने फिर हरियाणा स्टूडेंट यूनियन बनाई SFI के लिए,
जोड़ के हमारा आंदोलन फिर 70 में इमरजेंसी आएगी। उसके बाद फिर इमरजेंसी के बाद भी कांवड़ पिट्ठी ने किसान सभा सेट करी पूरी पूरी कर्मचारी द्वाद का सर्व कर्मचारी संघ भी कांवड़ पिट्ठी की देन है। अच्छा हाँ जी, उस टाइम कर्मचारी कहाँ संगठित थे, डी ओ तो मूट पिट गया था मास्टर का। ये जो सारा संगठन अध्यापकों का संगठन, कर्मचारियों का संगठन, मजदूरों का संगठन, किसान का संगठन, स्टूडेंट का संगठन, इसमें कांवड़ पिट्ठी का अहम रोल है। बाकी मंदराम बागड़ी का भाषण दिया गया था, वो संगठन नहीं बना करते, इसलिए इस आदमी ने संगठन बना के दे दी लोगों। ये अचीवमेंट है जो कभी नहीं मनाएंगे। आपने कहा था कि ये जो कॉमरेड कृष्ण स्वरूप है और कॉमरेड जो पृथ्वी सिंह है, ये दोनों शहीद हैं, क्योंकि इन्होंने कभी समाज के लिए क्या कि अभी अपने बेटों को या फिर किसी का अपने घर पर रहने का काम नहीं किया, गरीबों की और लोगों की आवाज को बुलंद किया। हाँ सही है, दोनों ने मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ कि दोनों ने कभी ऐसी कोई कमाई की तरफ हाथ नहीं डाला या मंत्रियों से उस बात के लिए, इन्होंने अपने बेटों के लिए कहा भी नहीं कि मेरे बेटे ने फलाने जहाँ सेलेक्ट करवा लो आप। ये कंप्लीट के कंप्लीट ये थे कि बराबरी भाई है, हम लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं। बल्कि इस मामले में तो कृष्ण स्वरूप भी उसके मिल्टू जो बड़ा लड़का था भी ये कर गया था, प्लस टू कर गया था, बंसीलाल ने कंधे रही नौकरी लुवाई नहीं बोला मैं ये बात नहीं। और पिट्ठी के तो ये बड़ा ये बड़ोड़ा अनिल है ना, वो इतना डेडिकेटेड था, कोई इलेक्शन आ गया उसकी आँख खराब होगी गया ही नहीं समाज, वो जो थे नहीं समाज के प्रति डेडिकेटेड थे, घर उसके बाद था। पिट्ठी का तो खास करके घर तो बस रोटी खाने की जगह थी, वो समाज के प्रति पूरे डेडिकेटेड थे। मैंने बहुत नज़दीक देखा, समझ ही नहीं थी घर वालों की, तो घर का तो जो फैसला होता है बड़े दिन नुकसान कर लेते थे कि ना भाई इसको दे दो कुछ देना हो, तो उनकी तो एक बड़ी मतलब वो था, बड़े फाइटर आदमी था, योद्धा था।